हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मेरा रूम शिफ्टिंग होने वाला है एंड कोई अलग सा व्लॉग नहीं है एंड मेकअप कोई ट्यूटोरियल नहीं है, बस मेरा आज रूम शिफ्टिंग होने वाला है क्या हो ही रहा है, इसलिए मैं सोचा चलो मैं आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो मेरी जो एक दो वीडियो थी पहले की, तो मैंने अपलोड कर दी, बट आज का ही वीडियो है। आज 2 अक्टूबर है एंड 2 अक्टूबर को मैं ये वीडियो पोस्ट भी करूंगी। एंड सो गाइज, मेरी मेड वो रूम जो है वो पूरा धुल दी है एंड यहाँ भैया आए थे सारा बेड को खोलने के लिए एंड इधर शिफ्ट भी हो गया है, तो पूरा दिन हम लोग इसी में लग गया है, क्योंकि सुबह 10:30 बजे से जो काम कर रहे हैं ना, आई थिंक कि शाम हो ही जाएगा। ऐसे आप लोग देखो क्या हो रहा है। एंड इधर गोदरेज सारा खाली करके इस गोदरेज को इस रूम में लेके आया गया था, तो सारा मेरी बहन कपड़ा रख रही है मेरा, एंड मैं इधर ना सारा सामान लेके आई हूँ उस रूम से, जितना बेड के अंदर सामान रखा हुआ था ना मेरा, वो सारा रखने के लिए बेड के अंदर। तो ये जितना बर्तन है ना, मैं अपने बेड के अंदर ही रखती हूँ नया नया बर्तन, क्योंकि ये सारा नया बर्तन है, अभी यूज़ करने वाला नहीं है, जब मैं यूज़ करती हूँ तब मैं इसमें से निकालती हूँ। सो इससे पहले मैं इसको सारा साफ सफाई कर लेती हूँ अपने बेड को, एंड उसके बाद मैं इसमें रखूँगी। और मेरी बहन उधर का कर रही है, तो मैं सोची चलो इधर का कर देती हूँ, और हबी को भी कुछ काम है तो वो चले गए। ऐसे भी जेंट्स लोग क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग तो घर को तो पूरा साफ तो नहीं कर पाएंगे, एंड पूरा सामान जो होता है जैसे हम लोग लेडीज़ लोग सजाते हैं वैसे तो नहीं कर पाएंगे, सब हम ही लोग काम रहता है, तो इसलिए मैं और मेरी बहन लगे हुए हैं। तो एंड यहाँ एक लड़की भी है साइड में, वो मेड की बेटी है, वो अपनी बेटी को भी लेके आ गई थी, क्योंकि क्या है ना, वो बोली ना कि वो रहेगी ना तो आपका बाबू को पकड़ेगी, इसलिए तो बाबू को वो पकड़ी हुई थी। तो मेरी बहन उस रूम में खाना बना रही थी एंड मैं इधर कर रही थी। सो गाइस, ये देखिए सारा बर्तन मैं इसमें रख रही हूँ, सारा मेरा शादी का बर्तन है, मेरी शादी में जितनी बर्तन मिली थी ना, तो मैं आधा इसमें रखी हूँ आधा दूसरे जगह रखी हूँ। तो जो जो मुझे काम वाला जो बर्तन था ना, कि जब मुझे कुछ पूजा पाठ में निकालना हो तो मैं इसमें रखी हूँ, तो क्योंकि इसमें सेफ रहता है थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि वो पड़ी है तो बेड पे बस जब मन चाहो आप निकाल लो ऐसा। और रूम शिफ्टिंग करने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। एंड ये देखो मैं यहाँ पे ना चढ़ के उस पर सारा सामान रखी हूँ, एंड ये मेड की बेटी है, तो मैंने उसको बोला ना कि तुम मुझे सारा सामान देते जाओ एंड मैं सारा रखते जाती हूँ, क्योंकि बार बार ना चेयर से उतरना एंड रखना ऊपर से ले जाना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगा, इसलिए मैं सोची चलो उस पर रख देती हूँ मैं अच्छे से। और सामान बहुत ही ज़्यादा है, और ये देखो मेरी बहन और मेड की जो बेटी है वो दोनों ना गद्दा उठाने में लगी हुई थी, क्योंकि वो दोनों वो गद्दा इतना ज़्यादा हैवी था ना, वो उठ ही नहीं पा रहा था। एंड यहाँ देखो मैं सारा ना सामान उस पर उतार रही थी ना, तो मेरी बहन ने छोटा सा क्लिप ले ली और पता है कुछ बोल रही थी, मैंने उसको बोला कि मत तुम लो प्लीज़ ये वीडियो मत लो, एंड मुझे लगा सच्ची में वो वीडियो मेरा बना रही थी, मैं सच्ची में आप लोगों को हेलो बोलने लगी थी, बट उसने बोला सच में वीडियो बना रही थी, मुझे लगा झूठ मूठ का ये वीडियो बना रही है इसलिए। तो ये देखिए गाइस, मैं ये सारा काम कर आज दिन भर मेरा हम लोग का इसी में निकलने वाला है गाइस, इसी कारण हम लोग का वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो प्लीज़ माइंड मत करना, बट मैं जल्दी से रूम शिफ्ट कर लूँगी तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो लेके आऊँगी। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो पे प्यार करना एंड प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी थोड़ी सी मैं बिजी हूँ और आप लोग तो देख ही सकते हो कि रूम मतलब शिफ्ट होने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। एंड चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों को सामने से, क्योंकि शाम का ना 6 बज चुका है गाइस, एंड हम लोग सुबह से लगे हुए हैं काम में, क्योंकि ताकि एक दिन में ना सारा शिफ्ट हो जाए, बट एक दिन का काम नहीं था और हम लोग अभी तक नहाए भी नहीं है। सो चलो आप लोग से मिलते हैं। सो गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ एंड आप ये देख रहे हो पूरा कपड़ा गंदा हो चुका है, एंड बस वाशिंग मशीन ले जाना बाकी है, एंड सारा रूम का सामान चला गया है, ये इस रूम का सामान नहीं गया है क्योंकि इस रूम में हम लोग सोएंगे, इसलिए बाकी सब रूम का सामान चला गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो सब रूम का सामान चला गया है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड अब इसमें भैया लोग काम लगाएंगे, सो वहाँ पर अपना सामान रख चुके हैं, एंड ये देखो इसका भी सामान खाली हो चुका है, एंड आप लोगों ने तो देखा ही ना पूरा दिन काम में चला गया, इसलिए मेरी वीडियोस नहीं बन पा रही है, मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही है कोई एक्स्ट्रा, तो बट मैं जल्दी जल्दी शिफ्ट इसी कारण कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना पाऊँ। और घर शिफ्ट करना, वो भी इतना सारा सामान है गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही ना, और मैं वो रूम को जब ठीक कर लूँगी पूरे अच्छे से तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलो गाइस, मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, एक प्यारा सा व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।